मोदी सरकार पार्ट टू भ्रष्टाचारियों के लिए काल बनी हुई है और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में सबसे ज्यादा कांग्रेस परेशान है। कांग्रेस के बड़े नेता पी चिदम्बरम, डीके शिवकुमार या फिर कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी हो, सब के सब एक के बाद एक सलाखों के पीछे जा चुके हैं। कांग्रेस सरकार में नंबर दो माने जाने वाले पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम INX मीडिया केस में भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी है और इस वक्त तिहार जेल में बंद है। लेकिन इसी बीच राज्यसभा सांसद अमर सिंह ने एक ट्वीट के जरिए चिदम्बरम के जख्म पर नमक छिड़कने का काम किया है। दरअसल अमर सिंह ने ट्वीट कर चिदम्बरम से पूछे, जेल में कैसा लग रहा है चिदम्बरम साहब? अमर सिंह हमेशा ही राजनैतिक बयानबाजी के जरिए चर्चा में बने रहते हैं। अमर सिंह ने ट्वीट कर लिखा, पहली बार मैं अपने पुराने परिचित पी चिदम्बरम के लिए गहरी सहानुभूति महसूस कर रहा हूँ। अपनी किडनी ट्रांसप्लांट के ठीक बाद कांग्रेस की सरकार बचाने के बावजूद चिदम्बरम ने मुझे जेल भेज दिया था और जेल में मैं उसी फर्श पर बिना तकिए के सोया था। आज इतिहास खुद को दोहरा रहा है। पी चिदम्बरम, आपको कैसा लग रहा है? आपको बता दें कि पूर्व गृह मंत्री चिदम्बरम के गिरफ्तारी के दिन भी अपने एक ट्वीट में अमर सिंह ने चिदम्बरम की गिरफ्तारी को सही ठहराते हुए ऐतिहासिक दिन बताया था। अमर सिंह ने कहा था, जो लोग सफेद कपड़े में घूम रहे थे वह पकड़े गए। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।